व्हाट इज किबर, तकबर क्या होता है। तो अल्लाह के रसूल ने इस बात को तो इंडोर्स कर दिया कि अच्छा पहनना, अच्छा खाना, मतलब बीइंग गुड इज नॉट द एरोगेंस, वो तकबर में नहीं आता। बट व्हाट इज एरोगेंस, एरोगेंस इज बतर अल हक व गिमतुन नास, कि आप जो है ना हक को झुटला दें और लोगों को हकीर समझें। आप अच्छी गाड़ी में रहें, आप अच्छे से अच्छा कपड़ा अल्लाह ने अगर आपको सता दिया और आपके लिए वो इसराफ नहीं है, पहने। अल्लाह ने आपको साहिब सताद बनाया, आप अच्छे घर के अंदर रहें। अल्लाह ताला ने आपको माल की कसरत दी है, आप उसको सर्व करें, आप उसको खर्च करें, आप अपने ऊपर खर्च करें, फैमिली पे खर्च करें, आहल अयाल और एक्सटेंडेड फैमिली में, गरीबों में आप खर्च करें, उसको कोई हर्ज वाली बात नहीं है अगर वो इसराफ नहीं होगा, सिंपल। लेकिन दो साइकोलॉजीज अल्लाह के रसूल ने डिस्कस करवाई, वो ये थी बतरुल हक, हक को रिजेक्ट करना। और व्हाट इज हक, कि अगर इंसान एक मसनद के ऊपर, एक ऊपर लेवल के ऊपर, दर्जात के ऊपर, बुलंदियों के ऊपर, वो किसी तरह की बुलंदी है उसमें अगर है और उस तक कोई बात पहुंचती है, अब उस बात का तकाजा ये है कि अपने आप को कह दे आई एम रॉन्ग। असल में यही मुश्किल बात है, फिरौन से नहीं हुआ, मक्का के जो चौधरी और मक्का के जो सरदार थे इनसे भी नहीं हुआ। अबू जहल जानता था अल्लाह के रसूल हक पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल जानता था कि ये कुरान अलल एलान हक के ऊपर है, ये एक सच्ची किताब है। तो ये है वो बतरुल हक के बाद, उसने सच हक की सुनी लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सका। क्यों? उनके एंड के अंदर ना वो मसला वही था जो इन सारे चौधरियों का मसला था, जो इन सारे सरदारों का मसला था। और दूसरी बात ये है कि उन सब चीज़ों के बाद आप अच्छा रहते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, करते हैं, अपने से साथ वाले, अपने से नीचे वाले को जब आपके दिल में ये फील आया कि आप सुप्रीम हैं, एनी काइंड ऑफ सुप्रीमेसी, वो रिलीजियस हो, वो लिंग्विस्टिक हो, एथनिक हो, कॉम्प्लेक्शन के साथ हो, किसी ब्रांड कॉन्शियसनेस के साथ हो, किसी भी किस्म की सुप्रीमेसी जो आपको फील करा है दैट आई एम सुप्रीम बीइंग, दैट इज एरोगेंस एक्चुअली। तो अल्लाह के रसूल ने किलर दिया कि ये दो कट कर दो, बाकी दुनिया गुजार लो, और यही दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है।